दोस्तों, मैं आया हूँ पाकिस्तान। हाफिज सईद का रोल कर रहा हूँ और पाकिस्तान में शूटिंग कर रहा हूँ। मेरा मतलब है पाकिस्तान का लोकेशन बनाया गया है जहाँ पर मैं शूटिंग करने आया हूँ। और ये देखिए, आज मुझे एक खूंखार हिंदुस्तान का जवान मुझे पकड़कर हिंदुस्तान ले जाता है और जो मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है। ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों ये हमको बहुत गाड़ी बैक करते हैं। 70 की स्पीड में मेरी पिछवाड़ा फट जाता है। इनको इस बात का डर नहीं लगता है भाई, अब ठीक है आप हीरो हो तो हर आदमी हीरो रहेगा क्या बगल में बिठा करके। ये 90 की स्पीड में बैक करते हैं गाड़ी, ये कोई तरीका है यार? ये मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा मैं छोड़ दूंगा पिक्चर, भगवान कसम कर रहा हूँ। ये देखिए हंस रहा है अभी, देखिए 90 की स्पीड में गाड़ी बैक करते हैं, ये क्या तरीका भाई साहब? हिंदुस्तानी खून इसी को बोलते हैं मनोज भैया। हाँ, 90 की अमन के मिट्टी फिल्म के शूटिंग करते हैं जा, बड़ा कमाल की फिल्म बना रहे हैं। निर्देशक हैं चंदन उपाध्याय जी, निर्माता हैं अरविंद जी और प्रेम जी। कमाल की फिल्म बन रही है और मनोज भैया जो शाहिद हाफिज का नाम है, हाफिज सईद का जो रोल कर रहे हैं उसमें चार चांद लगा दिया। आप उनका गेटअप देख करके देखिए, आपको लगेगा कि सच में शाहिद हाफिज को देख रहे हैं आप। और आप लोगों को तो पता है कि हिंदुस्तान का कोई दुश्मन होगा तो कायली हिंदुस्तानी छोड़ेगा, लेकिन मनोज भैया दिल से तो बहुत अच्छे इंडियन ही है भाई साहब। लेकिन ये जो आप 70 की स्पीड में ले जाते हैं बैग, गाड़ी उलट जाए तो मैं क्या करूंगा? आपको पता नहीं है मैं कैसे बैठा था यहाँ पे? चलो चलो, जाओ जाओ। अंदर से कह रहा था कंट्रोल कंट्रोल, बेटा तुम बहादुर हो। भगवान कसम बता रहा हूँ, भगवान कसम कह रहा हूँ कि मैं किस तरह से कंट्रोल करता हूँ। और ये आदमी फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे बोलता एक टेकियर आदमी खुश, मेरी हालत खराब, एक और ये खुश, हम यार एक और। अरे यार एक और, एक कौन सी बात हुई? एक और क्या करें। अब देखिए साथ में मनोज भैया है तो मनोज भैया हमको जोश दिला देते हैं और ये साथ में रहते हैं तो हम थोड़ा सा जोश में ही रहते हैं। तो फिल्म तो अच्छी बनी रही है और 80 की स्पीड में अगर भोजपुरिया जवान ना चलाई तो कहीं चलाई में आ रहा है भाई साहब। रेडी सर, रेडी। इस आदमी के साथ अगर पिक्चर करना है तो इधर से थोड़ा महसूस रहिए, और ना तो मामला गड़बड़ा जाए। ये सच में ऐसे ना कह गल है इनको कि एक्शन स्टार, ठीक हो? खैर धीरे धीरे कोशिश करते हैं, अगली पिक्चर उनके साथ करा जाता है, धाकड़ इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह। हाँ, अब हमें सुनावर रोज एक नया भैया, हम ऐसा करेंगे ऐसे मारेंगे, ठीक है? तो अब आने से हम तैयार हैं मेंटली कि देखा का होला। भैया धाकड़ सिंह के बारे में बताओ। इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह मतलब बहुत बड़े कैनवास पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं और जब विलेन का जब हमने सोचा कि विलेन किसको होना चाहिए तो सच बता रहा हूँ, आंख बंद करते ना पहला जो नाम आया वो मनोज भैया का आया। मैंने कहा यार इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह का जो विलेन है वो एक अद्भुत विलेन है, मनोज भैया का एकदम अलग गेटअप है उसमें। और हम पूरा भोजपुरिया दर्शक लोगों से वादा करते हैं कि मनोज भैया को ऐसा रूप में ना देख लो वजह जौना रूप में इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह मनोज भैया है। मेरी पहली पसंद उस रोल के लिए वन एंड ओनली मनोज भैया है और आप देखिए बस। भाई एक बात तो कहेंगे, जब एक्टर मिलता है तो काम करने का अलग आनंद आता है और एक्सपेरिमेंट करने में, प्रयोग करने में और नया नया सब्जेक्ट बनाने में मेरा भाई यश कुमार, ये जल्दी करो, लव यू दोस्तों। और इंतजार कीजिए इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह का अगले नए गेटअप में, मैं आप लोगों के बीच में यश कुमार जी के साथ मिलूंगा। ऐसी मोहब्बत देते रहिए, लव यू दोस्तों, थैंक यू।